हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसलिंग वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल रंबल 2015 के मैच में द रॉक क्यों मदद करने आए थे रोमन रेंस की। आप लोगों को याद ही होगा जब केन और बिग शो दोनों मिलकर रोमन रेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पर रोमन रेंस ही कर देते हैं दोनों को एलिमिनेट। और उसी का बदला लेने के लिए केन और बिग शो रिंग में वापस आकर अटैक करने लगते हैं रोमन रेंस पर, और फिर द रॉक बचाने आते हैं रोमन रेंस को बिग शो और केन से। मैं बताता हूँ आप लोगों को द रॉक रोमन रेंस को बचाने क्यों आए थे। शील्ड के टूटने के बाद हुआ था रोमन रेंस का पहला रॉयल रंबल मैच। शील्ड टीम टूटी इसलिए थी ताकि WWE की तरफ से रोमन रेंस को मिल सके अच्छा पुश, और WWE चाहती थी कि रोमन रेंस को 2015 के रॉयल रंबल में विनर बनाना। पर 2015 के रॉयल रंबल मैच में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस मैच के विनर रहेंगे डैनियल ब्रायन। अगर उस मैच में द रॉक सपोर्ट करने नहीं आते रोमन रेंस को, तब फैंस की तरफ से हेट मिलना शुरू हो जाती रोमन रेंस को, और ये WWE नहीं चाहती थी कि रोमन रेंस को हेट मिले फैंस की तरफ से, क्योंकि WWE बनाना चाहती थी रोमन रेंस को टॉप फेस सुपरस्टार। यही रीजन था कि द रॉक मदद करने आए थे रोमन रेंस की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसका फायदा ये होगा मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।